से स्क्रैच आ गया है, ये कहाँ से आ गया भाई? अरे अच्छा, ये तो डाग ही हो। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम टू माय चैनल विपुल का सारे व्लॉग्स अगेन एंड अगेन। सो आज का व्लॉग अपना अपनी खुद की गाड़ी के ऊपर है, जो है अपनी TVS Ntorq Resurrection 125। इसको मैंने पहले 2 साल पहले लिया हुआ था, ये स्क्रैच आ गया है, बीच में एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से स्क्रैच आ गया है। ये कहाँ से आ गया भाई? अरे अच्छा, तो डाग ही वो चला जा रहा है, 2 मिनट के लिए तो फट गई थी मेरी। ठीक है, बहुत साल, 2 साल इसने मेरे को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, मेरे को कभी इसे चीट नहीं किया है जैसे और लड़कियाँ करती है, वैसे उसने कभी चीट नहीं किया। हर जगह पे उसने मुझे साथ दिए, हर जगह पे, छोटे छोटे जगह पे, कहीं पे भी जाऊँ मैं साथ दिए। कभी ऐसा ये सीन नहीं हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया और मैं अटक गया हूँ, या फिर कुछ और चीज़ आ गई है और मैं अटक गया, ऐसा कभी नहीं। लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया हूँ, बहुत लंबे लंबे लेके गया हूँ, लेकिन कुछ कभी नहीं हुआ। तो आज इसके ही बारे में बात करेंगे हम लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसके बारे में जो कुछ भी होगा वो। पहले बात तो इसका इंट्रो करके देता हूँ। ये अपनी निज नेम से जानी जाती है मधुबाला, जो मेरी फेवरेट है। और दूसरी बात तो ये है कि ये 2 साल पहले मैंने ली हुई थी, मेरे बहन ने मुझे एक छोटा सा एक गिफ्ट जो बोलते हैं वो दिया हुआ था, मतलब EMI तो मैं ही भर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये दीदी से ली हुई थी कि मुझे दिला के, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उस टाइम पर दीदी ने मुझे दिला के दी थी। तो थैंक्स उन दोनों के लिए, जीजा जी और दीदी के लिए। और आज 2 साल मेरे साथ है, 1 महीना, आज अगले महीने के 28 को इसको पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल में इसमें बहुत, मतलब इतना रुलाया मैंने इसको, इतना रुलाया है कि पूछो मत। स्टार्ट कर दे इसका ब्लॉग, आपको पहले तो मैं किलोमीटर्स दिखा देता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। किलोमीटर्स हुए 18,521। और हेलो मिस्टर विपुल, ठीक है, तो ये है उसके किलोमीटर्स। 18,000 किलोमीटर्स में मैंने इसको खाली 5 बार सर्विसिंग कराए। लोग बोलते हैं कि प्रॉपरली सर्विसिंग कराओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैंने खाली इसको 5 बार सर्विसिंग कराई। 3 सर्विसिंग जो प्रॉपरली TVS के और Ntorq से आती है, जो भी फ्री होती है, जो फ्री होती है, ऐसा फ्री वगैरह कुछ होता नहीं, उसमें चार्ज ढीक भर के ऐसे इंक्लूड किए हुए होता है। तो वो मैंने 3 सर्विसिंग कराई थी, उसके बाद मेरे फ्रेंड से एक बार कराई थी जो सिद्धू करके था उससे, और फिर लास्ट टाइम मैंने गाड़ी का AMC निकाला है, उसमें ही लास्ट टाइम सर्विसिंग कराई है। बाकी 5 सर्विसिंग में मैंने 2 साल इसको चलाया है, और 2 साल में मुझे इतना सा भी कुछ नहीं आया, इतना सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया है। तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। एक तो इसका 124.6 cc इंजन आता है, इसको 125 cc बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये 2 साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स देगी तो इसका प्रॉब्लम देगी है वाइब्रेशन। एक तो वाइब्रेशन देती है, मतलब जैसे आप स्पीड ब्रेकर से गाड़ी स्लो करते हो और एक्सीलेटर देते हो, तो ये वाइब्रेशन देती है। आगे से देखते हैं, आगे से ऐसा है इसका कि ये बंद करने के बाद इसका टी लाइट जो होता है 2 साल के बाद टी लाइट इसका थोड़ा सा डल हो जाता है, मतलब एकदम उतर सा जाता है। और ज़्यादा अगर आप डबल, मतलब जैसे बोलने जाएंगे कि पत्थर वगैरह जगह होती है या रास्ता बराबर नहीं होता, उस साइड से चलाओगे तो एक प्रॉब्लम हो जाता है, ये हिलने लगता है। उसका याद रखना, ये आपका हिलने लगता है, जिसकी अभी ये हिल रहा है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसकी मैंने लास्ट 3 महीने से कुछ सर्विसिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराई है, तो इसकी वजह से वो हिल रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, आज मैंने सुबह ध्यान दिया धोते वक्त, तो मुझे दिमाग में आ गया कि यार ये हिल रहा है, ठीक है, तो सीधा ब्लॉग में बोल दिया मैंने, वो छुपा ही नहीं। प्रॉब्लम्स में इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम देती नहीं है, जितना हो सके आप उतना इसको चलाओ, कितना भी चलाओ, कुछ भी चलाओ। 2 साल में मैंने नंबर प्लेट भी नहीं चेंज कराया, कुछ भी नहीं कराया, ना टायर एक बार भी पंक्चर नहीं हुआ है। 2 साल में मैं बहुत सारी जगह पे गया हूँ, बहुत लॉन्ग ड्राइव पे गया हूँ, बहुत लॉन्ग ड्राइव पर गया हूँ, नाना बोल के 400-500 किलोमीटर तक भी चला गया हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें मुझे। बात बताओ, इसमें अगर एक प्रॉब्लम है ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी गाड़ी ज़्यादातर फाइबर है, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप जितने ज़्यादा खड्डे में चलाओगे, जितना आप प्लेन रोड रखोगे उतना अच्छा है, अगर जितना आप खड्डे में रखोगे ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फाइबर जो है वो हिलने लगता है, जैसे कि ये फाइबर हिलने लग गया। फिर लास्ट टाइम पे मेरा ये जो है ना, पूरे वो यहाँ का ये स्क्रू, अंदर की साइड से एक स्क्रू होता है जो हिलने लगता है, जैसे कि ये जाती है ना तो सस्पेंसर में, साइलेंसर में से वो स्क्रू थोड़ा थोड़ा लूज हो जाता है, जो हिलने लगता है वहाँ से कुर्र करके आवाज़ आती है, शायद से आपको एक बार सुना भी दूँ मैं, तो होगा क्या
जो आवाज़ आ रही है ना वो वही है। एक दिक्कत आती है इसमें बहुत बड़ी, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोगों को आ रही थी, मतलब मुझे ही नहीं, मेरे ग्रुप में नाना बोल के हम लोग 120 या 121 मेंबर्स है जिसके पास एंटो है, पुरानी से लेकर अभी लेटेस्ट में जो नई आई है ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन कलर में जो ब्लू एंटो आई है, उसमें भी उन लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है, एक ही प्रॉब्लम आ रही है मोस्ट ऑफ द, इसका ब्रेक, पीछे वाला ब्रेक जो है जो आप ज़्यादा यूज़ करने के बाद इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब अगर आप दबा के रखते हो और छोड़ देते हो तो वो ब्रेक लग जाता है, मतलब लगा ही रहता है, आप छोड़ भी दोगे ना तो हल्का सा लगा हुआ रहता है, जैसे लाइट आ जाएगी, आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने अभी ब्रेक छोड़ दिया है पूरा छोड़ दिया, अभी तो लाइट कुछ नहीं आ रही, यहाँ पे जो लाइट आती है ये वाली लाइट, टी लाइट नहीं, ये वाली लाइट जो ब्रेक छोड़ने के बाद लगे, मैं पूरा छोड़ा हुआ ब्रेक है, अगर मैं दबा के छोड़ दूँ तो ये लग जाती है, प्रॉब्लम ये है अगर आप फिर से इसको आगे कर दें ब्रेक को तो वो छूट जाती है, अगर आप दबा के इसे छोड़ दें तो फिर से वो लग जाती है, जो ये एंटॉक में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, दो बार तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था वो मेरी चला रहा था एंटॉक, और मुझे लग रहा था कि भाई ये ब्रेक दबा के गाड़ी क्यों चला रहा है, फिर जब मैंने उसको रोका और पूछा कि क्यों चला रहा था तो बोलता भाई मैं ब्रेक छोड़ के चला रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यार प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने खुद वो आजमाया, खुद मुझे चलाने के बाद फ्रेंड्स बोले कि ब्रेक दबा के क्यों चला रहा है गाड़ी, तब मुझे पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और एक ज़्यादा प्रॉब्लम है, जितना आप उसको धूप में रखोगे, धूप में मतलब बोलने जाएंगे तो जैसे कि मैंने रोड साइड में रख दिया और कंटिन्यूसली उसमें गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है, एक प्रॉब्लम हो जाता है कि इसका जो एक्सीलेटर है उसको ऐसे घुमा दे, उसमें अगर धूल मिट्टी जम जाए ना तो ये पूरा जाम हो जाता है, मतलब कितना जब फिट करोगे ना तो फटा के छूटता नहीं, ऐसे ऐसे पूरा हुआ ये ना, ऐसे होता नहीं है, एकदम ऐसे स्लोली जाएगा, वो चीज़ इसमें ज़्यादा होती है, तो जितना हो सके उतना इस पर कवर डाल के रखें, मैंने भी डाला हुआ था बीच में निकाला है, और बारिश के टाइम पे तो ज़्यादा ही डालें, ये फटाक से ऐसे छूटता नहीं है, वो जब पकड़ेंगे तो आहिस्ते 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 ऐसे छूटता है, तो वो आपको ये ट्रैवल में दिक्कत हो सकती है, अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं और आपने एक्सीलेटर पकड़ा और छोड़ दिया तो वो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो फटाक से छूटेगा नहीं, आपको वो माइलेज नहीं मिलेगा समझे, और ब्रेक का जितना हो सके ना उतना ब्रेक का ध्यान देना, क्योंकि ब्रेक दबा हुआ होता है तो उतना माइलेज कम होता है, याद रखना कि लोग बोलते हैं कि यार माइलेज मुझे बहुत कम दे रही है, सिटी में बहुत कम दे रही है, प्रॉब्लम ये होता है कि जितना हम लोग ब्रेक दबाते हैं उतना हम लोग माइलेज कम मिलता है, सिटी में इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई सिटी माइलेज 40 का है, एग्जाम्पल पकड़ के चलो, तो क्यों होता है 40, क्योंकि हम लोग सिटी में ज़्यादा ब्रेक दबा के चलते हैं, और हाईवे पे 50 का होता है, क्यों 50 का होता है, क्योंकि हाईवे पे हम लोग एक बार अगर स्टार्ट कर दी, अगर गाड़ी आई बीच में तो ब्रेक दबाते हैं, नहीं तो फिर नहीं दबाते, तो वो ज़्यादा ब्रेक नहीं दबा दे उसकी वजह से हमें माइलेज ज़्यादा मिलती है, माइलेज का एक रूल होता है, और ज़्यादा तो प्रॉब्लम है नहीं। रही बात इसके माइलेज की, तो कंपनी ने क्लेम किया हुआ था कि देती है ये नाना बोल के 50 अबाव, लेकिन 2 साल में मुझे इसने 4% माइलेज डाउन करके दिया हुआ है, मतलब मुझे पहले देती थी 48, अब दे रही है हाईवे पे 44, और सिटी पे दे रही है ये 39 से लेकर 40 के बीच में दे देती है, तो 2 साल में उसने 4% माइलेज मेरा डाउन कर दिया है, अगले 2 साल में 4%, उसके अगले 2 साल में 4%, तो समझ चलो कि नाना बोल के ये 10% तो आ ही जाएगी, ठीक है। और माइलेज में ऐसा कुछ इश्यू है नहीं, एंटॉक आपको एकदम प्रॉपर ले, अगर मैं बोलने जाऊँ तो स्कूटी में सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो एंटॉक है मेरे हिसाब से, लोग बोलते हैं एप्रिला है, एप्रिला की वैसी बाहर गाड़ी है उसमें कुछ इशू है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, जैसे मैंने ली है तब से मैंने गाड़ी पे बहुत ध्यान दिया है, बहुत मतलब जितना लोग बंदी पे ध्यान देते थे उतना मैंने गाड़ी पे ध्यान दिया है, बात वो होती है कि आपकी लक्ष्मी होती है जिसके ऊपर आप चलते हैं, मैंने इसको आपको एक बताता हूँ, एक मतलब वो ऐसे अंदर की बात है, 18,521 किलोमीटर मैंने नॉर्मली उसमें ना नाना बोल के 500 से 600 किलोमीटर रैपिडो का होगा, क्योंकि मैं बीच में रैपिडो चला रहा था जब मैंने ली हुई थी, तो 600 किलोमीटर तो रैपिडो का ही होगा, इसमें मैंने रैपिडो में इतना लंबा कल्याण तक नहीं गया हूँ, इसके कल्याण तक, लेकिन इसने कभी मुझे रास्ते में ही छोड़ा या फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम दिया ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इस पर इतनी जान छिड़कता हूँ, उतनी जान वो मुझ पर छिड़कती है, तो उसको पता है भाई अगर सामने वाला अपने से प्यार कर रहा है तो अपन उसको धोखा क्यों दे, बंदियों जैसा इसका है नहीं, तो इसने मुझे बहुत साथ दिए, और आई होप जितने टाइम भी मेरे पास है मेरे साथ रहे, मुझे साथ दे, और बाकी कुछ इसमें है नहीं प्रॉब्लम जैसा तो कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम था मैंने वो बता दिया,
लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा। ब्रेक का खाली इशू है, वो तो आज ना कल तो क्लियर हो जाएगा। बाकी गाइस अगर लेनी है तो मैं बोलूँगा कि TVS के तरफ सैंटॉक ले लो, कुछ है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं, जो कुछ भी है आपको ठीक ठाक लगती है। मेरे फ्रेंड्स लोग भी चलाते हैं और लुक के लिए तो यार ऑसम है, समझो ऑसम है। मेरे को मैंने जब ये मार्केट में नई नई आई थी तभी मैंने देख के ले लिया था, और मुझे पता था कि भाई मेरे को चाहिए तो मेरी दीदी बोल रही थी कि ले लिए तो एक्टिवा ले लें या फिर कोई और ले लें स्कूटी, लेकिन नहीं मेरे को चाहिए थी ये सैंटॉक ही चाहिए थी क्योंकि मुझे इसका लुक पसंद आया था। और जब ये मार्केट में नई आई थी तभी मैंने ली थी, एक तो 3 महीने हुए थे आए हुए, स्टॉक में नहीं थी फिर भी मुझे मिल गई थी, नसीब था जो मुझे स्टॉक में मिल गई। और कुछ प्रॉब्लम मैंने मोस्ट ऑफ जितने भी आपको इसके स्क्रैचेस दिख रहे हैं ना, वो स्क्रैचेस मेरी उंगली की वजह से है। जो लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे वो स्क्रैच आ गए थे उस साइड में, जो दिखाया वो स्क्रैच उस टाइम फर्स्ट एक्सीडेंट में आ गए थे, वो किसी बंदे की गलती से हो गया था, उसने हो गया था डायरेक्टली आके, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, और वीडियो अगर पसंद आ गई तो नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई की गाड़ी के ऊपर आने वाली है, जो AS 200 उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। यही बनेगी वीडियो, यही जगह पे बनेगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, लिटरली बहुत पसंद है, चाहिए तो पूरे चारों मुझे एक बार देख ली लिटरली एकदम, मतलब बोलने जाएंगे ना इसका स्पेस कहीं पर भी नहीं मिलता, एकदम साइलेंटली यहाँ पे, किसी का कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, एकदम आ जाती है बस ये जगह आ जाती है। मैंने शूट भी यहीं पे करा है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, जो लोकल है उसको पता है, लेकिन इनलीगली है ये, गवर्नमेंट एरिया है, तो ये जगह का नाम तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है। बाकी थैंक यू गाइस, और बस ऐसे ही प्यार देते रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो भी कमिंग सून आ ही जाएगी, अभी सोच रहा हूँ थोड़ा 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 करके टाइम निकाल के वीडियोज पे ध्यान दूँ, बहुत टाइम से मैं अपडेट नहीं था। और स्पेशल थैंक्स माय ब्रो यश कासारे, जो अभी कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है, हर बार मेरे वीडियो में वही होता है, लास्ट टाइम भी वही था, आज भी वही है, आई होप आगे भी वही रहेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ गाइस, और बस थैंक यू।